है ना, वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स, जो ये लाइन जाएगा ये होगा आपका डायगोनल, ठीक है। ये भी तो एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स पे अगर लाइन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल बोलते हैं ना। तो डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट होता है, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर में डिवाइड होता है। देखो ये यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है, कितना एंगल होगा बीच में, इसका इधर से उठा के देखो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, नहीं एंगल देखोगे तो एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल को क्या बोलेंगे का 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट होगा 90 डिग्री में, तो जो भी रोम्बस है रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और बाइसेक्ट ये और ये जो डायगोनल होगा ना ये बराबर में बांटेंगे, अगर इसको आप उठाएंगे और इसका लेंथ मेजर करेंगे तो ये इक्वल होगा क्या, देखो इक्वल है ना, यस मिस। चलो ये बराबर में बट गया है ना, ये वाला डायगोनल तो बराबर में बट गया। अब ये भी तो डायगोनल है, ये भी बराबर में बटा है या नहीं, इसके बराबर ये है या नहीं चेक करो, हाँ उसके ऊपर कोलैप्स कर दो, इक्वल है ना। तो इसमें बोलेंगे कि जो रोम्बस होता है रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबका 90 डिग्री होगा और साथ में जो ये डायगोनल्स होगा एक दूसरे का बराबर कट करेंगे, इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया रॉय? यस मैम। चलो थैंक यू।